ਹੈਲੋ ਜੀ, ਨਮਸਤੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਦਾਬ। ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ, ਸਵਸਥ ਹੋਵੋਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਓ ਨੀਰਜ ਜੀ ਕੇ ਸਾਥ ਸਾਥ। ਤੋ ਕੈਸੇ ਹੈਂ ਆਪ? ਉਮੀਦ ਕਰਤੇ ਹੈਂ ਆਪ ਲੋਗ ਸਵਸਥ ਹੋਵੋਗੇ, ਮਸਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੋ ਅਭੀ ਸੁਬਹ ਕਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ ਔਰ ਅਭੀ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ ਖਾਨੇ ਕਾ ਟਾਈਮ, ਔਰ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਅਭੀ ਕਾਮ ਧੰਦਾ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਾ ਹੈ। ਤੋ ਹਮਨੇ ਸੋਚਾ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲੇਤੇ ਹੈਂ। ਤੋ ਆਜ ਨੀਰਜ ਜੀ ਬਣਾਨੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਲਵੱਟਾ ਫੂਡ ਸਬਜ਼ੀ, ਜਿਸ ਕਾ ਨਾਮ ਆਪਨੇ ਹੋ ਸਕਤਾ ਹੈ ਸੁਨਾ ਹੋ ਔਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੁਨਾ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਾਓਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੇ ਖਾਈ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਸਟੀ ਲੱਗਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਹਮਨੇ ਸੋਚਾ ਕਿ ਆਪਕੋ ਵੀ ਯਹਾਂ ਪੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏ। ਤੋ ਅਭੀ ਦੇਖ ਲੋ, ਯਹਾਂ ਪੇ ਨੀਰਜ ਜੀ ਯਹਾਂ ਪੇ ਜੋ ਮਸਾਲੇ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਵੋ ਸਾਰੇ ਯਹਾਂ ਪੇ ਬਟ ਲੀਏ ਹੈਂ, ਪਿਆਜ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਪੜਤਾ ਹੈ ਨੋਰਮਲ ਚੀਜ਼ੋਂ ਸੇ, ਯਹਾਂ ਪੇ ਜੋ ਸਬਜ਼ੀ ਬਨਾਤੀ ਹੈ ਨੀਰਜ ਜੀ। ਔਰ ਯਹਾਂ ਪੇ ਆਪ ਦੇਖ ਲੋ, ਸਾਥ ਮੇਂ ਯਹਾਂ ਪੇ ਜੋ ਆਲੂ ਹੈ ਵੋ ਉਨਕੋ ਲੇ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸਲਵੱਟੇ ਪੇ ਯਹਾਂ ਪੇ ਉਸਕੋ ਫੋਲ ਲਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਥ ਮੇਂ ਹੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆਗ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਸਭਕੋ ਜਲਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮਾਰੇ ਗਾਓਂ ਮੇਂ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਭਾਗਵਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਕਾ ਸਾਊਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਹਮਨੇ ਟ੍ਰਾਈ ਕੀਆ ਥਾ ਕਿ ਹਮ ਵਾਇਸ ਓਵਰ ਨਾ ਕਰੇਂ ਕਿ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਯਹਾਂ ਪੇ ਜੋ ਸਪੀਕਰ ਹੈ ਵੋ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਏ, ਇਸਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਹਮੇਂ ਫਿਰ ਵਾਇਸ ਓਵਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੜ ਰਹਾ ਹੈ। ਤੋ ਯਹਾਂ ਪੇ ਆਪ ਦੇਖ ਲੋ, ਕੜਾਈ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਚੜਾ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਭਸੇ ਪਹਿਲੇ ਯਹਾਂ ਪੇ ਜੋ ਵੀ ਪਿਆਜ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਵੋ ਯਹਾਂ ਪੇ ਬਟਾ ਥਾ ਵੋ ਯਹਾਂ ਪੇ ਨੀਰਜ ਜੀ ਨੇ ਦੇ ਦਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੋ ਜੋ ਚੂਲੇ ਪੇ ਜੋ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਆਪ ਉਸਮੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਾਲੋਗੇ ਨਾ ਤਬ ਵੀ ਟੇਸਟੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਤੋ ਉਸਕਾ ਸਵਾਦ ਹੀ ਕੁਛ ਅਲੱਗ ਹੋਤਾ ਹੈ। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि कुछ भी नहीं डालोगे तो सब्जी कैसे बन जाएगी। मैं दोस्तों सच बोल रहा हूँ ना, चूल्हे पे जो सब्जी बनती है ना उस पर रस रस के बनती है, गैस पे पता नहीं कैसे बनती है, उसका स्वाद ही कुछ मुझे अच्छा नहीं लगता है। लेकिन चूल्हे पे जो भी सब्जी बनाती है नीरज, उसका स्वाद ही बेहतरीन होता है। तो यहाँ पे आप देख लो, सारे मसाले यहाँ पे डालने के बाद, भूनने के बाद नीरज जी ने जो आलू फोड़े थे ना उनको यहाँ पे कढ़ाई में दे दिया है, और ये देख लो कितनी बेहतरीन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप समझ सकते हो कि कितना यहाँ पे आपको सामने ही देख के मेरे मुँह में तो पानी तुरंत आ गया था, और जब मैंने खाया ना तो उसका स्वाद ही कुछ अलग था, बहुत ही ज्यादा यानी कि सुपर लेवल स्वाद था। तो यहाँ पे आप देख लो दोस्तों, कितनी बेहतरीन हमारी सलवट्टा फूड सब्जी बनके तैयार हो गई है। अब ये देखने में इतनी अच्छी लग रही है तो खाने में कितनी स्वादिष्ट होगी, बाकी आप मुझे बताना कि देखने में कैसी लग रही है। और यहाँ पे साथ में ही अब नीरज जी बनाने जा रही हैं बाजरे की रोटी और चावल की रोटी, जिसका स्वाद इसके साथ और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर बाजरे की रोटी अगर खाओगे ना चूल्हे की, तो उससे सब्जी का स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं यानी कि पहली बार वीडियो देख रहे हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दूं, पहले नीरज जी को यानी कि बाजरे की रोटी बनाने नहीं आती थी। अब हमने लव मैरिज की थी तो बाजरे की रोटी इसको बनानी नहीं आती थी। पहले तो पानी की रोटी नहीं बनानी आती थी तुझे? नहीं आती थी। तो कैसे सीखी? ऐसे अपने पे कोशिश करती रही फिर आई बनाने। अभी देखो कितनी बेहतरीन यहाँ पे बाजरे की रोटी बना रही है। बाजरे की रोटी बनाना बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है, और वैसे तो शहर में लोग बना लेते हैं ऐसे बेल वाल के यानी कि जुगाड़ करके बना लेते हैं, लेकिन चूल्हे पे यानी कि हाथ से बनाना थोड़ा कठिन होता है ना। हाँ, वहाँ तो ना चकले पे बेल के बनाते हैं आटा लगा के, उसमें स्वाद नहीं आता। नहीं, वो स्वाद नहीं आता है। तो ये देख लो कितनी बेहतरीन हमारी बाजरे की रोटी यहाँ पे बनके तैयार हुई है नीरज जी के, देखो कितनी, और फूल भी रही है साथ साथ में। उसको तो ऐसे ही बना लेते हैं, गैस पे बन नहीं सकती, जो चूल्हे पे बनती है और यहाँ पे हाथ से जो बनती है ना उसका स्वाद ही कुछ अलग होता है। फाइनली दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी थाली लग गई है, और ये देख लो कितनी बेहतरीन लग रही है, और साथ में है बाजरे की रोटी। तो चलिए खा के देखते हैं कैसी बनी आज। गर्मा गर्म बाजरे की रोटी साथ में सलवट्टा फोर्ट सब्जी का मजा ही कुछ अलग है, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लग रही है। आप भी खा लीजिए दोस्तों। अगर दोस्तों आप भी ऐसी सब्जी से खाओगे ना तो बस मुंह रगड़ोगे, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लग रही है। तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताना आपको सलवट्टा फूड सब्जी कैसी लगी, और अभी हम वॉइस ओवर लगभग 2-3 दिन और करेंगे, क्योंकि भागवत जब तक खत्म नहीं होगी तब तक हम वॉइस ओवर ही करेंगे। तो यहाँ पे आप देख लो लास्ट में नीरज यहाँ पे जो चावल की रोटी जैसे मैंने बोला था वो भी यहाँ पर अपने लिए इसने बनाई थी, मैं तो चावल की रोटी खाता नहीं हूँ। तो इस वाले ब्लॉग को हम यहीं तक रखना चाहेंगे, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल बनाइए, चैनल को भी सब्सक्राइब करें।